नमस्कार, मैं दीपांजलि मित्रा। ईरान और इजराइल की अदावत सालों पुरानी और ईरान ने इजराइल को देखना नहीं चाहता, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को फूटी कौड़ी नहीं देखना चाहता। इसी बीच दोनों देशों के बीच रस्साकसी चलती रहती। इस साल जुलाई की शुरुआत में ईरान के नतांज एटमी प्लांट के पास एक धमाका हुआ था, जिसमें ईरान के मिडिल ईस्टर्न इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने इसराइल पर आरोप लगाए। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक अधिकारी ने दावा किया कि एटमी साइट पर इसराइल ने एक शक्तिशाली बम प्लांट कराया। इसराइली मीडिया में कहा गया है कि पिछले महीने ईरान के खुजिस्तान प्रांत में स्थित तेल पाइपलाइन के पास एक धमाका हुआ था, जिसमें आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गई। इस घटना के बारे में अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ऐसे संकेत हैं कि तेहरान ने नतांज एटमी प्लांट के पास धमाके के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा। ईरानी अधिकारियों ने बाद में बताया था कि एटमी प्लांट और तेल पाइपलाइन के पास हुए धमाके से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि एटमी प्लांट पहले की तरह ही काम कर रहा है और उस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ईरान का कहना है कि वो नतांज और पाइपलाइन के पास हुए धमाके की जांच कर रहा है और सही समय पर इसकी जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले यहाँ पर एक बात बताते चलें कि अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर ईरानी कमांडर सुलेमानी को मार दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा माहौल शांत हुआ। लेकिन इसराइल और अमेरिका से ईरान की नफरत बरकरार। इन दोनों देशों को ईरान अपना जानी दुश्मन समझता है।